हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे चिकन लेग्स फ्राई। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये हमने 4 लेग पीस लिया है, जिसे हमने इस तरह से कट्स लगा लिया है। दोनों तरफ से इसे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हमने लिया है ये कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच, मैदा 2 बड़े चम्मच, नींबू का रस 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ी चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, शक्कर लिया हमने चीनी 1 छोटी चम्मच, नमक लिया हमने 1 छोटी चम्मच, तेल लिया है इसे फ्राई करने के लिए, और ये डार्क सोया सॉस 2 छोटी चम्मच लेंगे हम। और हमने लिया है ये 2 अंडे, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो सबसे पहले एक बॉल में हम ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे मैदा, लगभग दोनों को बराबर मात्रा है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, चीनी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस, नमक और ये डार्क सोया सॉस डालेंगे हम 2 चम्मच। और अब हम इसमें मिलाएंगे ये अंडा। तो इन सब का हम मिक्सचर बनाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से मिला लेंगे हम। इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम। इस तरह से। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन पीसेस। और इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिला के 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। चलिए, तो हमने रख दिया है और हमने ये फ्राई पैन कढ़ाई चढ़ाया है। चलिए, तो हमने तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई इसलिए करेंगे ताकि जो अगर हम इसे तेज फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसका ऊपर का लेयर जो है वो पक जाएगा और भीतर का नहीं पक पाएगा ढंग से। तो चलिए, हम इसे पलट देते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। दोनों तरफ से हम इसे ऐसे फ्राई कर लेंगे। दोनों
दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे एकदम लो फ्लेम पे। तो चलिए देख लेते हैं हमारे दूसरी तरफ से ये कैसा है। तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक गया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे किचन पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, और इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी तल लेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।